हेलो गाइस टूडेज़ वीडियो इज़ ऑल रिलेटेड टू टाइम टेबल एंड स्ट्रेटजी फॉर सीए फाउंडेशन दिसंबर 2021 एग्ज़ामिनेशन सो 2.5 मंथ्स इज लेफ्ट फॉर सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम अपना टाइम टेबल बनाया ये सोच के कि आप स्टूडेंट ने अभी तक कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया है एंड अगर किसी ने अभी उनका प्रिपरेशन हो गया उन्होंने सिर्फ रिविज़न करना है तो वो सारा टाइम अपना रिविज़न में यूटिलाइज़ कर सकते हैं सारा जितना आपके पास 2.5 पॉइंट मंथ्स है आप पूरा अपना रिविज़न पे यूटिलाइज कर सकते हो वो टाइम सो so, आपको क्या करना है फ्रॉम 15 सितंबर टू 31 अक्टूबर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए सिलेबस सी ए फाउंडेशन का एंड आपका पूरा नवंबर मंथ रिविज़न के लिए रहना चाहिए एंड आप 1 नवंबर से 20 नवंबर तक फर्स्ट रिविज़न करोगे एंड 20 नवंबर टू थर्टी नवंबर आप सेकेंड रिविज़न करोगे सो वन नवंबर टू ट्वेंटी एथ नवंबर आप पर सब्जेक्ट फाइव डेज दोगे मतलब पर पेपर आप फाइव डेज दोगे फ्रॉम ट्वेंटी फ नवंबर टू थर्टी एथ दिसंबर आप टू पॉइंट फाइव डेज दोगे पर सब्जेक्ट को एंड यू कैन ऑल्सो मॉडिफाई दिस टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन लेवल एज ऑफ नाउ मतलब आपका अभी तक जितना प्रिपरेशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप इस टाइम टेबल को मॉडिफाई भी कर सकते हो और uh, कोशिश करना कि आप रिविज़न करो जितना आप कर पाओ उतना करो और एक ही दो बार भी करो पर ऐसा करो कि आपको अगर वो क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बहुत अच्छे से उसका आंसर आए आप ये भी करो कि आप अगर कोई पर्टिकुलर पेपर का रिवीजन अगर पहले रिवीजन अगर आप फाइव डेज में करते हो या थ्री डेज में करते हो तो उसका सेकंड रिवीजन उसके कम टाइम पे होना चाहिए एंड नाउ इट्स टाइम फॉर टिप्स एंड स्ट्रैटेजी तो मैंने बहुत सारे स्ट्रेटेजी वीडियो पहले ही बना रखी हैं वो सब आप देखिए आगे भी मैं बहुत सारे स्ट्रैटेजी एंड टिप्स वीडियो बनाऊंगी तो जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो आज मैं कुछ आपका जो डाउट रहता है या सी ए फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहिए वो सब मैं आपको पॉइंट्स बताऊँगी एंड द पॉइंट्स आर फर्स्ट डू नॉट स्टडी फ्रॉम मल्टीपल बुक्स सेलेक्ट कर लो एक बुक कौन सा पढ़ना है अपना कोचिंग का आई सी आई का कौन सा बुक पढ़ना है उसी पर फिक्स रहो बहुत सारे मल्टीपल बुक्स रखोगे तो डाउट रहेगा कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है मेरा तो अभी कम्प्लीट ही नहीं हुआ लेकिन हाँ अगर एक ही बुक का बहुत बार उसी को रिवाइज करोगे तो वो आपके लिए बेटर होगा तो एक बुक सेलेक्ट करो मेरा सजेशन ये है कि आई का ही बुक सेलेक्ट करो क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आई के ही बुक से आते हैं एंड उसके बाद अगर कोई अगर एडिशनल कुछ बुक है तो एक दो एडिशनल बुक रख लो वरना मेन आई पे फोकस करो आई आई के बुक्स और बहुत जब मैंने एग्ज़ाम दिया था अपना सी ए फाउंडेशन नवंबर टू थाउजेंड नाइनटीन में तो मैक्सिमम क्वेश्चन आई uh, सी आई की बुक ही से आए थे एटी फाइव नाइन्टी परसेंट बट अब थोड़ा ये लेवल रिड्यूस हो गया मतलब ये परसेंटेज रिड्यूस हो गया अब सेवेंटी फाइव एटी सिक्सटी फाइव परसेंट ऐसे आई सी आई के बुक से आ रहे तो आई सी आई का बुक आपका मेन uh, प्रेफरेंस रहना चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी वही रहना चाहिए उसके बाद आपको प्रीवियस क्वेश्चन आर टी पी एम टी पी भी करने चाहिए क्योंकि इससे आपका जो मतलब कुछ भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर पाओगे क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन तो आई सके बुक्स आते हैं एंड रेस्ट अदर जो एम टी पी आर टी पी या प्रिवियस जर क्वेश्चन पेपर्स आते हैं तो आपका पूरा फुल कवरेज हो जाएगा एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट जितना भी प्रैक्टिस कर पाओ उतना प्रैक्टिस करना अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो थ्री आवर्स का अलार्म सेट करके करना उससे आपका कंसेप्ट में भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आपका कंसेप्ट इंक्रीज हो कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ होगा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सॉल्व करने का स्पीड इंक्रीज़ होगा और आपका टाइम पे एग्ज़ाम मतलब टाइम पे आप पेपर अपना कंप्लीट कर पाओगे आपका एग्ज़ाम में पेपर छूटेगा नहीं एंड अगर आप थ्योरी जितना से जितना प्रैक्टिस करते हो तो आपका क्या होता है कि आपको लर्निंग अच्छे से हो जाएगा ठीक है और आपका आप अगर थ्यो थ्योरी को प्रैक्टिस रिटर्न प्रैक्टिस भी करना चाहिए आपको इससे आपका अपने वर्ड्स को अपने जो भी आपने समझा है उसको आपको एक्सप्रेस करने का एक्सप्रेस बेटर वे पे आप कर पाओगे अगर आप राइट करके प्रैक्टिस करते हो थ्योरी को तो एंड आपका लैंग्वेज इम्प्रूव होगा आपकी वर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा याद कर पाओगे जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को भी एंड थ्योरी सब्जेक्ट को भी ऐसा होता है कि सारा सब्जेक्ट किसी का अगर फेवरेट नहीं होता अगर सारा सब्जेक्ट किसी का फेवरेट है या किसी का सारा सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो उसके लिए तो बोनस पॉइंट है उसको मतलब वो जो भी सब्जेक्ट चाहे जब भी कर सकता है कोई वीकर सब्जेक्ट है तो कोई स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है तो आप इसको ना कंबाइन करके स्टडी करो मान लीजिए अगर आपका कोई एक पेपर वीक है एक पेपर स्ट्रांग है दो पेपर वीक है दो पेपर स्ट्रांग है तो आप उसको कंबाइन करो वन वीक विथ वन इज स्ट्रांगेस्ट सब्जेक्ट तो अगर आप कुछ प्लान करो कि हाँ इतने डेज़ में मैं ये दो पेपर करूँगा तो एक वीकर सब्जेक्ट और स्ट्रांगर सब्जेक्ट लो एंड स्ट्रागर को स्ट्रांगर सब्जेक्ट जो है उसको जितना से जितना ज़्यादा टाइम दे सको उतना दो और वीकर को भी दो ये नहीं कि स्ट्रांग है तो उसे छोड़ ही देना ये तो मेरे से हो ही जाता है छोड़ ही देना ऐसा नहीं करना है और हाँ जो वीक है उस पर डरना नहीं कि अरे मेरा कुछ नहीं हो रहा है या तो सिर्फ वीक ही को पूरा बहुत टाइम नहीं दे देना है दोनों को बराबर देना है जितना हो सके और स्ट्रांग को जितना ज़्यादा हो सके उतना देना है और वीकर को भी ऐसा देना है कि आप उस एग्जाम को क्लियर कर सको ठीक है और क्योंकि आपको तो पता ही है कि आपको सिंगल इंडिविजुअल भी आपको फोर्टी फोर्टी लाना है सारे चारों पेपर में और आपका एग्रीगेट में टू हंड्रेड लाना है तो अगर आप स्ट्रांग सब्जेक्ट को और अच्छा करोगे तो आपको आपका एग्रीगेट और क्राइटेरिया फुलफिल करने में हेल्प होगा और वीकर को आप अच्छा करोगे तो आप पासिंग क्राइटेरिया जो फोर्टी है सारा पेपर का वो भी फुलफ़िल कर सकते हो तो ये आपका अप्रोच रहना चाहिए एंड नेक्स्ट बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है और बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते भी हैं कि दी आपने कितने आवर्स स्टडी किए थे या कितने मंथ में प्रिपरेशन किया था तो मैंने उतना स्टडी नहीं किया था मैंने टू एंड टू एंड हाफ मंथ्स में ही प्रिपेयर किया था तो अभी भी टाइम है अभी भी आप कर सकते हो और, और मैंने कितने आवर्स डेली स्टडी किया था तो मैंने थ्री फोर आवर्स डेली स्टडी किया था एंड अगर आप थ्री फोर आवर डेली स्टडी करते हो तो आप फाउंडेशन क्लियर कर सकते हो और आप बहुत अच्छे से फाउंडेशन क्लियर कर सकते हो रैंक भी ला सकते हो अगर आप डेली सेवन एट आवर्स एकदम अच्छे से मतलब पूरा कंसंट्रेशन के साथ इफेक्टिव सेवन आवर्स स्टडी करते हो तो एंड हो गया इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स uh, या इंपॉर्टेंट uh, या हाईली वेटेज चैप्टर और ये सब uh, के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं फॉर ऑल मतलब चारों पेपर के मैंने बनाया कि कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपको ये सब सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करना चाहिए क्या आपका अप्रोच रहना चाहिए ये सारे मैंने वीडियो बनाया आप ये वीडियो जाके मेरे चैनल में देख लो या इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी एंड अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो मैं वो भी वीडियो बना दूँगी एंड हाँ मैं अभी बहुत सारी स्ट्रेटी वीडियो या बहुत सारे आपको स्टडी करने में uh, टिप्स लेके आऊँगी सो so, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो और यू कैन ऑल्सो डी एम मी ऑन इंस्टाग्राम माई इंस्टाग्राम हैंडल इज सन अंडर स्कोर रैस सो थैंक यू गाइज चिल्ड्रेन स्टे हैप्पी स्टे अपडेटेड एंड बाय बाय